नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। उत्तराखंड के देहरादून में 150 से ज्यादा मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध वाले बैनर लगाए गए हैं। ये बैनर हिंदू युवा वाहिनी द्वारा लगाए गए हैं। उत्तराखंड के और भी मंदिरों में ऐसे बैनर लगाए जाने की योजना है। बता दें कि देहरादून में 150 से ज्यादा मंदिरों में ये कहते हुए बैनर लगाए गए हैं कि परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। बैनरों को हिंदू युवा वाहिनी संगठन द्वारा लगाया गया है। अभी चकार्ता रोड, सुधोवाला और प्रेम नगर में मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध वाले बैनर लगाए गए हैं। ये हमने सिर्फ और सिर्फ अपने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, अपनी बहन बेटियों, अपनी माओ, उनकी सुरक्षा के लिए। अब काफ़ी समय से हम लोग भी देख रहे हैं, आप सब लोग भी देखते हैं, जब कैसे हमारे मंदिरों में कुछ विधर्मी लोग जो हमारे समुदाय के नहीं हैं, वो घुस के हमारी मूर्तियों को कैसे क्षतिग्रस्त करते हैं, हमारी बहू बेटियों को तंग करते हैं, छेड़ते हैं वहाँ पर। मतलब जो कार्य करते हैं वो मैं कह भी नहीं सकता हूँ। तो उनका प्रवेश वर्जित है, इसलिए ये लगाया गया है, क्योंकि उनका मंदिरों से कोई काम नहीं है। उनको उनका जो धर्म के जो उनकी पूजा का जो स्थान है वो है मस्जिद है, वो जाएं वहाँ पर नमाज करें। वहीं पुलिस के द्वारा इन पोस्टरों को हटाने का काम किया जा रहा है। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि अगर कोई गैर हिंदू परिसर में प्रवेश करेगा तो उसकी पिटाई की जाएगी, पिटाई के बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। आपको बता दें, देहरादून के कई मंदिरों में हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि मंदिर परिसर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। इन पोस्टरों के लगने के बाद अब युवा हिंदू वाहिनी ने पूरे उत्तराखंड के मंदिरों में ऐसे पोस्टर लगाने की बात कही है। उनका कहना है कि मंदिर सनातन धर्म के लोगों की आस्था और श्रद्धा का स्थान है, यहाँ अन्य धर्मों के लोगों का क्या काम है। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद वाधवा ने कहा कि ये धर्म की रक्षा के लिए किया जा रहा है। गौरतलब है कि मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने बैनर हटवाकर मुकदमा दर्ज किया है। मामले में जीतू रंधावा नाम के व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। जीतू रंधावा हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महासचिव है। उधर कांग्रेस ने इन पोस्टरों को सीधे सरकार की सोची समझी रणनीति करार दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि 4 साल में सरकार कुछ नहीं कर पाई, तो अब अपनी खामियों को छुपाने के लिए कभी राम तो कभी जींस को संस्कार से जोड़कर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।